और अरमान के लिए ये हेमोफाइल टाइप का बच्चा। याद रखेंगे इसमें खातों का प्रयोग नहीं करना होता है, सिर्फ ब्लैक से ही आप कोई कर सकते हो। पन्ना दोनों बच्चे को प्रयास करते हुए वो अंक हासिल करने का यहाँ पर टांगों का प्रयोग करना होता है। टेस्ट पे अगर लगाते हैं तो आपको अंक मिलते हैं। प्रयास किया और अंक हासिल किया आपके लिए विष्णु के बीच थर्ड पुंछ डिस्ट्रिक्ट टाइकंडो एसोसिएशन चैंपियनशिप की क्लोजिंग सेरेमनी थी, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट टाइकंडो एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। दो दिन का इवेंट था ये, और ये इवेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर टाइकंडो एसोसिएशन के अंडर, और इसको सपोर्ट कर रहा है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। तकरीबन 250 बच्चों ने पूरे पुंछ से, जहाँ की हम बात करें अजोट, मंडी, फतेहपुर, बैंच, जलास, कनुइया और
टोटल 250 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। दो दिनों में बच्चों ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। कल इस टूर्नामेंट की ओपनिंग हुई थी जो कि कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जनाब पुनीत दवल जी ने की थी। तो आज के हमारे मेहमानों खुसूसी थे क्लोजिंग सेरेमनी के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब रमेश अंगराल साहब, उन्होंने अपने हाथों से मेडल दिए, बच्चों को ट्रॉफीज दी। तो काफ़ी खुशी की बात है कि टाइकंडो जो कि जिसको आए हुए कुछ ही देर हुई है, तो उसकी जो प्रोग्रेस है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 4-5 बच्चों से स्टार्ट हुए थे, आज 250 बच्चा टाइकंडो से जुड़ गया है। तो ये कह सकते हैं कि यूथ की एनर्जी पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेक्रेटरी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिन्होंने हमें ये इंडोर कम्प्लेक्स प्रोवाइड किया है, क्योंकि इंडोर मिलने से इन बच्चों की जो टेक्निक होगी उसमें और सुधार आएगा। आगे चल के ये बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। आज स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेले हैं, इंटरनेशनल पे, कल ये भारत के लिए हाईएस्ट लेवल पे मेडल भी ला सकते हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा मीडिया का भी, आप यहाँ आए, इस इवेंट को कवरेज किया। तो मैं एसोसिएशन की तरफ से और अपनी एकेडमी की तरफ से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।